तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एडवांस एक्सेल में हम डेटा कनेक्टिविटी की बात करेंगे। बेसिकली हम सीख रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ द वीवीए लर्निंग में कि वीवीए से पहले क्या क्या चीज हम और करें। तो आज हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं डेटा मेनू बार। हमने फॉर्मूले को खत्म करके हम डेटा मेनू बार की तरफ बढ़े हैं और डेटा मेनू बार में हम बात कर रहे हैं एक्सटर्नल डेटा सोर्स का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली हम बात करते हैं डेटा को लिंक करने का। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास से डेटा D1 का डेटा है और तो हमने बताया था कि इस फाइल को हमारे इस फाइल से लिंक करने के लिए हम इसको सेलेक्ट करते हैं, कॉपी करते हैं और इस पे जाके राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल तो इसको हम कॉपी करके और राइट क्लिक करते हैं पेस्ट स्पेशल में। क्या हुआ? बिकॉज कॉपी एरिया पेस्ट आर नॉट द सेम साइज। लग रहा है कोई इसमें मल्टीपल सेल सेलेक्ट हो गया है क्या? हाँ अब सही है। मुझे फाइल को रीओपन करने दीजिए, कुछ प्रॉब्लम है फाइल में। वैसे 3 दिनों से मेरा मेरा एक्सेल बंद भी नहीं हुआ है ना सर। तो जैसे कि किसी एक एक्सेल फाइल को किसी अनोदर एक्सेल फाइल के दिक्कत यहां थी सर, एक ग्रुप था। अब पता चला कि अगर आप ग्रुप कर रखे हैं तो कॉपी करते हैं तो उसमें दिक्कत होती है। तो एक फाइल को दूसरे फाइल के ऊपर हम लिंक जब करते हैं तो लिंक करने के बाद जब हम कॉपी किया, कॉपी करके मान लीजिए हम यहाँ पे पेस्ट एज ए लिंक का ऑप्शन होता है, हम कर देते हैं पेस्ट एज ए लिंक। पेस्ट एज ए लिंक क्या करता है? इसका लिंक बना देता है। बट लिंक जो बनाता है वाया फॉर्मूला बनाता है। फॉर्मूला बनाने के कारण प्रॉब्लम क्या होती है कि जो हमारा डेटा ओरिजिनल डेटा है अगर वो इंक्रीज डिक्रीज होता है तो हमें फॉर्मूले को इंक्रीज डिक्रीज करना होगा। तो बेसिकली हमें कुछ ऐसी कनेक्टिविटी चाहिए जो एक फाइल को दूसरे फाइल के साथ लिंक तो करे बट वो फॉर्मूला से ना करे, वो ऑटोमेटिक ऐसा हो कि ऑटोमेटिक वो अपडेट हो जाए। जैसे मैं मेरा फाइल ओरिजिनल फाइल के अंदर कोई चेंजिंग हो किसी भी तरह का तो ये भी अपने आप को चेंज कर ले। तो उस काम के लिए हम जाते हैं डेटा मेनू बार में गेट एक्सटर्नल डेटा सोर्स। अब गेट एक्सटर्नल डेटा सोर्स में यहाँ पे फ्रॉम एक्सेस है, फ्रॉम वेब है, फ्रॉम टेक्स्ट है, अदर सोर्सेज है, बट फ्रॉम एक्सेल नहीं है। कोई बात नहीं, आप फ्रॉम एक्सेस पे क्लिक करें और अपने उस लोकेशन पे जाए जहां पे आपका फाइल है और यहाँ फाइल टाइप में आपका सिलेक्ट होगा एक्सेस डेटाबेस। इस एक्सेस डेटाबेस की जगह पे आप सिलेक्ट करें ऑल फाइल और आपको यहाँ पे एक्सेल की फाइल दिख जाएगी। फिर जिस फाइल को लिंक करना चाहते हैं उस फाइल को सिलेक्ट करें, ओपन करें और उसमें जो सीट चाहिए उस सीट को लिंक कर सकते हैं आप। ओके कीजिए, उस सीट आपका लिंक हो जाएगा। समझ में आया सर? पूजा जी, राजीव और संजीव, सब कोई डाउट इसमें सर? दोबारा बता देंगे सर। चलिए मैं इसको दोबारा से बताता हूँ सर। एक रिकॉर्डिंग का परमिशन दे दीजिए। ओके, आपने रिकॉर्डिंग की परमिशन नहीं लिया पुनीत जी सर। चलिए तो हम डेटा मेनू बार में जाएंगे, गेट एक्सटर्नल डेटा सोर्स फ्रॉम एक्सेस। उसके बाद यहाँ लोकेशन पे जाएंगे
और फ्रॉम एक्सेल की जगह पे ऑल फाइल सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास हमारा एक्सेल का फाइल आ जाएगा। और फिर अपने एक्सेल के फाइल को सिलेक्ट करें, ओपन करें, फिर आपको इसमें से अपने डेटा को सिलेक्ट करके ओके कर दीजिए। अब पिवट को आप कनेक्ट करने के लिए आप बाय सॉरी डेटा को कनेक्ट करने के लिए आप बाय पिवट कनेक्शन कर सकते हैं, बाय पिवट चार्ट कर सकते हैं या टेबल कर सकते हैं। जैसे डेटा चाहिए आपको तो आप जस्ट डेटा भी कर सकते हैं। ठीक है, एंड ओके किया हमने, ये आपका लिंक हो गया। और समझ में आया सर? जी सर। कोई डाउट थे इसमें? हमने दूसरा डाटा इस शीट में लेके आने के लिए किया सर। हाँ सर, इसका क्या पर्पस मतलब क्या होगा सर? पर्पस से होगा, नहीं नहीं पर्पस ये हुआ कि आपका एक फाइल दूसरे फाइल से लिंक हो गया ना। जी सर। तो इसमें आप यूज कर सकते हो, ये आपका जस्ट रिप्रेजेंटेड हो गया। जैसे आपके पास जो डंप डेटा वगैरह होता है या कुछ ऐसे क्रिटिकल डेटा है जिसको आप हर किसी को यूज करने के लिए देना पड़ रहा है आपको जी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आपको डर भी है कि उसमें कोई चेंजिंग मेंजिंग अच्छा डिलीशन डिलीशन ना कर दे। जी सर। तो आप उसको ओरिजिनल डेटा ना दे, इस तरह से आप डेटा कनेक्ट करके दे दें। इसमें सर कोई भी फॉर्मूला शो नहीं होगा? नहीं, फॉर्मूला शो नहीं होगा, ये फॉर्मूला के पर्पज से नहीं है। इसमें अगर चेंजेस करते हैं अपना ओरिजिनल डाटा को कोई लॉस नहीं होगा? ओरिजिनल डाटा आपका कोई ऐसा छेड़छाड़ नहीं होगा। ठीक है सर। ठीक है जी सर। आगे बढ़े जी सर। उसी तरह से अब इसमें हम अब इसमें प्रॉब्लम यह होती है कि जब हमने डेटा हमने कनेक्ट किया तो ओवरऑल डेटा कनेक्ट हो रहा है, लेकिन हमें प्रॉब्लम ये हो सकती है कि मैं ओवरऑल डेटा ना लेना चाहूं, मैं डेटा लेना चाहता हूं कोई पार्ट सम टाइम सम डेटा। जैसे मैं चाहता हूं कि इसे इसमें सिर्फ हमारा जोन जो है एक पर्टिकुलर जोन का है या पर्टिकुलर प्रोडक्ट का है। तो ओवरऑल डेटा लाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, इसलिए हम नहीं चाहते। तो क्या करें इसके लिए? चलिए उससे पहले इसकी प्रॉपर्टी में समझा देता हूं कि आप डेटा मेनू बार के कनेक्शन में जाएंगे तो जो भी आप कनेक्शन कनेक्ट करते हैं उसकी प्रॉपर्टीज आपको दिखेगी, जिसमें आपका अगर फाइल का लोकेशन चेंज हो जाता है तो आप यहाँ से लोकेशन यहाँ चेंज कर सकते हैं। फाइल में अगर पासवर्ड वगैरह लग जाता है तो यहाँ पे आप पासवर्ड दे सकते हैं, यहाँ पासवर्ड का ऑप्शन होगा। ठीक है, यहाँ पासवर्ड दिख रहा है आपको, राइट सर? अगर आप डेटा शीट से नहीं किसी और शीट से चाहते हैं तो उस शीट का नाम भी चेंज कर सकते हैं, पहली चीज। दूसरी, आपका जब भी एलएमएल बैकग्राउंड रिफ्रेश का ऑप्शन है, रिफ्रेश करके आप डेटा को रिफ्रेश कर सकते हो जो चेंजिंग होंगे तो, या फिर आप एक मिनट सेकंड सेट कर सकते हो कि मेरा फाइल एवरी किस मिनट पे ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो या जब मेरा फाइल ओपन हो तो रिफ्रेश हो, ऐसी सेटिंग भी आप इसमें कर सकते हैं। अब चलिए बैक टू पॉइंट, मैं चाहता हूं इसमें से फिल्टर डेटा, तो फिल्टर डेटा के लिए फिर हमको यहाँ इसकी मदद नहीं लेनी पड़ेगी, फिर हमें जाना पड़ेगा यहाँ माइक्रोसॉफ्ट अदर सोर्सेस के ऊपर। तो सबसे लास्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी का ऑप्शन, तो माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी को हम सिलेक्ट करते हैं और हमने एक्सेल फाइल को सिलेक्ट किया। देखिए क्यूरी जो है सिर्फ एक्सेल को नहीं एक्सेस को भी सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, एक्सेस को भी सपोर्ट कर रहा है। तो हम एक्सेल फाइल को यहां सिलेक्ट करके ओके करते हैं। अब यहां पे देखिए आपकी ड्राइव्स है,
यहाँ पे एक्सटेंशन है और ये आपके फोल्डर्स हैं। तो मेरा डॉक्यूमेंट पे नहीं है, मेरा इस पे है, डेस्कटॉप पे है। तो हम यहाँ डेस्कटॉप पे चले गए और अपनी फाइल को सिलेक्ट किया एंड ओके किया। सॉरी अब इसमें से जो बहुत सारे शीट्स होंगे, अब याद रखिएगा जब फर्स्ट टाइम अगर आप इसको कनेक्ट करते हैं तो आपको एरर देगा, यहाँ पे कोई सीट नहीं दिखेगी। तो आपको ऑप्शन में जाना है और यहाँ सिस्टम टेबल आपको यहाँ दिखेगा, इस सिस्टम टेबल को क्लिक कर दीजिए, तब जाके आपके पास यहाँ टेबल का लिस्ट आ जाएगा। फिर नेक्स्ट कीजिए। अब मान लीजिए इसमें से कोई कॉलम नहीं भी चाहिए तो आप नहीं भी रख सकते हैं। फिर नेक्स्ट। फिर मैं यहाँ से अपना जोन जो जिस कंडीशन लगाना है वो कंडीशन से मैं लगा दिया यहाँ पे कि इक्वल, और हमने यहाँ पे अपना जोन दे देता हूँ, जैसे मैंने दे दिया ईस्ट। और भी कंडीशन लगाने तो लगा दे, अदर वरना कोई बात नहीं। नेक्स्ट कीजिए, शॉर्ट करना है शॉर्ट कीजिए, नेक्स्ट कीजिए और रिटर्न डेटा टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एंड फिनिश कर दीजिए। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, थोड़ा सा टाइम लेगा। फिर यहां पे ओके कर दीजिए। अब देखिए आपका डेटा सिर्फ ईस्ट का आया है। आया समझ में सर? हेलो, डाउट इसमें? नहीं सर, नहीं। चलिए सर एक बार रिपीट करेंगे। क्या रिपीट करना है बताइए? यस सर। चलिए देखिए, ध्यान से देखिएगा सर, ऐसे बार बार रिपीट करवाएंगे तो फिर क्लास की तो ड्यूरेशन डबल ना हो जाएगी सर। ध्यान से देखिएगा, हम डेटा मेनू बार में गए, हमें ऐसा करना क्यों जान लीजिए, हम नॉर्मल कनेक्शन करे हैं, बट नॉर्मल कनेक्शन में क्या है कि आपका पूरा का पूरा डेटा आता है, हमें पूरा डेटा नहीं चाहिए। या फिर एक्सेस के साथ हम कनेक्ट कर रहे हैं तो एक्सेस पे क्या है कि हो सकता है 20 लाख 25 लाख का रो ऑफ डेटा हो, तो उतना बड़ा डेटा हम एक्सेल में नहीं ला सकते, ठीक है? तो हमें कुछ फिल्टर्ड डेटा चाहिए। तो मोटिव समझ में आ गया? चलिए, मोटिव समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। तो हम जाएंगे एक नई एक्सेल सीट लेते हैं, हम जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट अदर सोर्सेस, माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी, और फिर माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी में हम आएंगे एक्सेल फाइल्स में, ओके। यहां पे अपने लोकेशन पे जाएंगे, अपनी फाइल को सिलेक्ट करेंगे एंड फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो यहाँ सिस्टम टूल्स पे क्लिक करना नेसेसरी है, इसका ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम टेबल को सिलेक्ट करके इसको यहां से ऐड कर लेंगे, कोई कॉलम नहीं ऐड करना है उसको हटा भी सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन को सेट करेंगे, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट एंड फिनिश, उसके बाद ओके कर दीजिए, डेटा आपका आ गया। अब समझ में आया सर? हेलो, कैसे समझ में आ गया? किसी को डाउट? चलिए अब क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए
कि मुझे किसी और का चाहिए, समझ गए? हाँ, मुझे किसी और मैंने जोन का चाहिए, तो क्या मुझे हर बार अपना जोन चेंज करना पड़ेगा? क्या सर, मतलब मैं जो प्रोसेस हमने अपनाया है, क्या हर बार उस प्रोसेस को अपनाना पड़ेगा? तो उस केस के लिए हम कुछ ऐसा चाहते हैं कि जैसे हम यहां पे मान लीजिए लिख दें साउथ, तो मेरा डेटा साउथ का हो जाए। तो जनरली लोग सोचते हैं कि इसके लिए वीवीएम माइक्रो प्रोग्रामिंग की जरूरत है, बट ऐसा कोई बात नहीं। हम वीवीएम माइक्रो प्रोग्रामिंग कि यहाँ पे हम इसका कोई जरूरत नहीं है, हम नॉर्मल एक्सेल से भी कर सकते हैं। इसके लिए हमें जो हमने कनेक्शन किया है उस कनेक्शन में थोड़ी सी चेंजिंग करनी पड़ेगी। तो डेटा में हम कनेक्शन में जाते हैं और ये फाइल वन हमारा है, इसको सिलेक्ट किया, इसकी प्रॉपर्टीज में चले गया। ठीक है, प्रॉपर्टीज में यहां देखिए डिफिनेशंस। एक चीज देखिए, इससे पहले हमने प्रॉपर्टीज दिखाया था, यहां पे टेबल था, बट अब जो मैं दिखा रहा हूं इसमें एसक्यूएल है, क्योंकि एसक्यूएल क्यूरी के जरिए लाया गया है। और सबसे नीचे देखेंगे तो यहां पे वेयर कंडीशन लगा है। अगर आपको थोड़ा भी अगर आता होगा क्या बोलते हैं एसक्यूएल, तो समझ जाएंगे कि यहीं पे कंडीशन लगा हुआ है। तो हमें इस पे पैरामीटर सेट करने होंगे। इसके लिए हमें जस्ट एक क्वेश्चन मार्क डाल दीजिए। जैसे मैं क्वेश्चन मार्क डाल के ओके करूंगा, ये पूछेगा पैरामीटर, तो ये दोनों पे नीचे क्लिक कर दीजिए और पैरामीटर के लिए जो लोकेशन आपने तय किया है उस लोकेशन को आप सेलेक्ट कर लीजिए कि मैं बोलता हूं कि इसमें P1 एंड यहां पे ओके करता हूं। ओके, इससे थोड़ी सी दिक्कत है, एक मिनट रुक जाइए। यहाँ कनेक्शन डेफिनेशन यहाँ पे आइए, क्वेश्चन मार्क, ओके, पैरामीटर हमें यहाँ पे P1 कर देता हूँ, P1 एंड ओके। ये पैरामीटर में प्रॉब्लम क्यों आ रहा है? मैं दोबारा से लगाता हूँ, रुक जाइए, छोटी सी प्रॉब्लम आ गई है। सॉरी, यहाँ आते हैं डेटा में, बेसिकली प्रॉब्लम क्या होती है, XLSM की फाइल जो होती है, XLSM की फाइल में प्रॉब्लम होती है। तो आप जब भी इस फाइल के साथ कनेक्ट करिए तो डॉट XLS की फाइल या XLSX की फाइल ले। मैंने यहाँ पे XLSM की फाइल ले लिया था, इस कारण से दिक्कत हुआ था। अब देखिए कोई दिक्कत नहीं होगा।
मैं आपको बताना भूल गया था, नेक्स्ट नेक्स्ट एंड फिनिश, और मैं स्टार्टिंग से करता हूँ। ओके, अब मैं इसकी प्रॉपर्टीज में, डेटा में कनेक्शन, और इसकी प्रॉपर्टीज में आऊंगा, डिफिनेशन पे जाऊंगा, और यहाँ जहाँ पे वेयर कमांड है उसको चेंज करूंगा, और यहाँ पे मैं क्वेश्चन मार्क दूंगा एंड ओके करूंगा। पैरामीटर बोलेगा सेट करने के लिए, तो कोई एक पैरामीटर यहाँ पे हम सेट करेंगे एंड ओके। अब कोई एरर नहीं है। अब देखिए P1 पे अगर मैंने दिया साउथ, तो ये हमारा साउथ आ गया। अब आया समझ में आप लोगों को? जी सर। कोई डाउट है आप लोगों को इसमें? तो इसमें हम आपको बताएंगे कि अपने SQL कमांड वगैरह कैसे लिखेंगे, वो हम आपको आगे बताएंगे। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं कि अगर आपको MS Access डेटाबेस से अगर आपको कोई लिंक करना हो, तो आप फ्रॉम एक्सेस में जाके लिंक कर सकते हो डेटा को। ठीक है, एक्सेस में हम लिंक कर सकते हैं, पर एक्सेस का लिंक क्यों करते क्या है कि बहुत सारे क्यूरीज हैं, और बहुत सारे डेटा की क्यूरीज जो है हम एक्सेल में नहीं लगा पाते हैं, एक्सेस उसको आसानी से लगा देता है, उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम आउटलुक को ही ले लेते हैं, तो आउटलुक के जो मेल्स हैं, मुझे उस मेल्स के डेटाबेस चाहिए। तो कैसे करें, क्योंकि हम एक्सेल में कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है आउटलुक से इंपोर्ट करने का डेटा। बट अगर हम एक्सेस को खोलें, तो एक्सेस में अगर हम कोई ब्लैंक डेटाबेस लेते हैं, डेटाबेस 617 मैंने ले लिया, तो डेटाबेस 17 में यहां एक्सटर्नल डेटा सोर्स में देखिए, न्यू सोर्स इंपोर्ट में फ्रॉम फाइल, फ्रॉम डेटाबेस, फ्रॉम अदर सर्विसेज में आउटलुक फोल्डर दिख रहा है। तो इसमें हम इसको इंपोर्ट करते हैं, या इसको आप लिंक भी कर सकते हो, देन ओके। और आउटलुक में आपको कौन सा ईमेल आईडी चाहिए, आउटलुक के कई सारे पार्ट है, एड्रेस बुक चाहिए या
ईमेल्स चाहिए, ईमेल्स में किस आईडी, क्योंकि कई सारे आईडी है तो कई सारे आईडी अलग अलग आईडी की होगा, उसका इनबॉक्स चाहिए, सेंडरीज क्या चाहिए, तो मैंने इसको इनबॉक्स सिलेक्ट कर लिया। इनबॉक्स में भी कई सारे फोल्डर है तो मैंने इनबॉक्स लिया हुआ, फोल्डर ने लिया हुआ है। देन नेक्स्ट किया, और फिर अगेन नेक्स्ट नेक्स्ट एंड फिनिश। अब देखिए इनबॉक्स नाम का फोल्डर में पूरा मेल का स्टेटस आया हुआ है। अब मैं एक्सेल पे जाता हूं, यहां फ्रॉम एक्सेस पे आता हूं, डॉक्यूमेंट में डेटाबेस 17 जो था हमारा उसको सिलेक्ट करता हूं। अब इसमें एक ही टेबल थे, तो इसमें टेबल लिस्ट नहीं आया और ओके करता हूं। आया समझ में सर? जी सर। इज यू गो डाउट? सर अगर मुझे लिंक करना होता है तो वो लिंक के ऑप्शन पे करते हैं, हमेशा ये अपडेट होता रहता है। चलिए समझदार हैं आप। तो डेटा कनेक्टिविटी में हम आपको ये बता रहे थे, तो आप डेटा कनेक्टिविटी में आप बाकी चीजों पे आप एक बार प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है? फिर हम कल आपको बताएंगे वेब स्क्रिप्टिंग। वेब स्क्रिप्टिंग होता है कि इंटरनेट पेज से कैसे डेटा को आप डाउनलोड करेंगे, ये हमारा अगला क्लास का टॉपिक रहेगा, ठीक है सर? सर ये आज का वीडियो एक बार शेयर कर देंगे आप? जरूर जरूर, यूट्यूब पे हाँ डाल देता हूँ। ओके बाय, गुड नाइट।